राज, सपने में तू कुछ भी देख ले, लेकिन हकीकत में तेजपाल की बेटी से तेरी शादी हो ही नहीं सकती। अरे अगर उसकी बेटी से मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मैं जान दे दूंगा, गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा उसके। आ क्या जाऊंगा मैं, गाड़ी के नीचे आ गया। राज, राज ये तू क्या कर लेटा यार? और कर लेटा नहीं, मैं कर बैठा। भाई साहब ये सब कैसे हो गया? अरे चल चल, अरे कुछ नहीं, गाड़ी तेज आ रही थी ना, दो हड्डी टूटी होगी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आप चलिए चलिए जल्दी कीजिए। राज, राज तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठता हूँ। पीछे क्यों बैठ रहा है? मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, कोई हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं आप बैठ जाइए, भाई साहब बाद में बात करेंगे। चलिए चलिए चलिए, मैं अकेला जाऊंगा हॉस्पिटल। राज तू चिंता नहीं करना, बैठिए बस, बैठ गई, दरवाजा बंद कर लीजिए। आपको दुख नहीं रहा है? कर रहे हो क्या, तोड़ रहे हो? चोट यहाँ लगी है तो दर्द वहाँ कैसे होगा? सो सॉरी, ऊंचा करो ऊंचा करो ऊंचा करो। आस्ते 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 आ आ। अरे घबराने की कोई बात नहीं, ये तो मामूली सी चोट है, मैं दो दिन की दवाई लिख देता हूँ, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। हैं, तुम्हारा नाम बताओ फटाफट। राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा, देखो मैंने दो दिन की दवा लिख दी है और इसे सुबह शाम। ये क्या, ये बैसाखी किस लिए? चोट मुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, पैसा भर रहा हूँ फिर भी पूछ रहे हैं बैसाखी किस लिए? कमाल है, चोट पाँव में लगी है, सर पे लगी है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह। ओह माय गॉड, आप गए नहीं? आपको क्या हो गया? कोई बात नहीं, थोड़ा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। 15 दिन? आप मेरी वजह से इन बैसाखियों पर। आपकी वजह से नहीं, सॉरी, मेरा ही कोई पाप आड़े आ गया होगा मेरे। नहीं, गाड़ी तो मैं तेज चला रही थी, I'm so sorry. आपको अपनी गलती का एहसास हुआ ना? जी। सजा भुगतना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? प्लीज मुझे नीचे टैक्सी तक छोड़ दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप, मैं अपनी गाड़ी में आपके घर। आई। संभल के संभल के संभल के। हाँ एक मिनट रुक जाइए। हाँ काफी तकलीफ उठानी पड़ी, यहाँ बैठ जाइए बैठ जाइए। एक मिनट। हाँ ये तस्वीर? जी ये मेरे गुरुजी की तस्वीर है, मगर मैंने तो आपको इनके साथ पहले कभी नहीं देखा। जी मैंने भी इनको कभी नहीं देखा, मगर ये हमारी वकालत की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। इनके केस को स्टडी किए बगैर कोई आदमी वकील बन ही नहीं सकता। जी मगर आप इनको कैसे जानती? ये मेरे डैडी हैं। डैडी? पाँव कहाँ है? क्या कर रहे हैं आप? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए प्लीज। गुरु नहीं तो कम से कम गुरु पुत्री के ही पाँव छू लूं। देखिए आप ऐसा मत कीजिए, आप ठीक हो जाइए, मैं आपको अपने डैडी से मिलाऊंगी। मैं इनसे मिल सकूंगा? Of course. He will meet me? Of course he'll meet you. Oh, मतलब, how sweet of you. नहीं, आप बैठिए ना। No problem. Please. आज नहीं, फिर कभी, मैं फिर आऊंगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। आओ मैं तुम्हें बाहर रख छोड़ देता हूँ। Okay. मैं चली जाऊंगी। नहीं, are you sure? Okay, thank you, bye. See you. Bye. Bye. अब देखिएगा जनाब, इस बैसाखी को पकड़ के उस बैसाखी के सहारे अगर मैंने आपको अपनी बैसाखी ना बना लिया तो मेरा नाम भी राज नहीं। आप बेफिक्र रहिए, आपका घर घर है, कोई चिड़िया का घोंसला नहीं जो अपने घर की सफाई में कोई निकाल कर फेंक दे। आप देखिए मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। वैसे मेरे सामने केस लड़ कौन रहा है? मेरे जीजा जी। आप अपनी कंपनी को मुझसे क्यों हरवा देना चाहती हैं? तो क्या हुआ, महाभारत में भी तो पांडव अपने भाइयों से लड़े थे। यू आर राइट, और वैसे भी महापुरुषों का यही कहना है कि सच्चाई के लिए कोई भी चीज छोड़ी जा सकती है, मगर किसी भी चीज के लिए सच्चाई को छोड़ा नहीं जा सकता। आई विल विन दिस केस। मिस्टर आनंद महात्रे, आप जिस जगह में रह रहे हैं वो जगह आपने कब और कितने में खरीदी? 1977 में, 25,000 रुपए पगड़ी पे। मतलब आपने खरीदी नहीं थी, उस जगह पे आप किराए पे रह रहे हैं। मिस्टर वचानी कौन है? वो तो बिल्डर हैं, मेरा मतलब मकान मालिक। और उन्होंने जगह खाली करने की आपको कितने पैसे की ऑफर दी? 2.5 लाख रुपए। मतलब 10 गुना ज्यादा, जितने आपने पैसे दिए थे उसे। अब महंगाई भी तो बढ़ गई है सर। आखिर आप चाहते क्या मात्रे साहब? घर के बदले घर।
अच्छा ये बताइए, आज आप कोर्ट कैसे पहुंचे? टैक्सी में। कोर्ट पहुंचने के बाद आपने टैक्सी का क्या किया? किराया दिया और छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उस पर कब्जा क्यों नहीं किया? उसके मालिक क्यों नहीं बन गए? उसे घर क्यों नहीं ले गए? किराए के टैक्सी का मालिक कैसे बन सकता? एग्जैक्टली योर ऑनर, इस पॉइंट को नोट किया जाए। इन्होंने खुद कहा है कि किराए की चीज का मालिक नहीं बना जा सकता, फिर ये किराए के मकान के बदले में मकान कैसे मांग सकते हैं? मेरे क्लाइंट ने इन्हें 2.5 लाख रुपए का ऑफर दिया है, ये तो इनकी दरिया दिली है। मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट को इंसाफ मिले। दैट इज ऑल योर ऑनर। डिफेंस को कुछ कहना है? राज, गो, गुड लक। चल चल, छुट्टी करते सबकी। डिफेंस कुछ कहेंगे? गेट अप, गेट अप, गेट अप। सर, मिस्टर मल्होत्रा, आर यू ऑल राइट? सर, मिस्टर मल्होत्रा, आई थिंक कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ दवा लीजिए। यस सर। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर लंच। फॉरगेट अबाउट इट, बैठ जाओ राज। अगर अंदर है तो बाहर करना। सोचने की कोशिश करो। ओ यार, मैं पहली बार केस लड़ रहा था, मुझे तो डायरिया हो गया था। बोलिए ना, बोलिए ना। हां, सोचने की कोशिश करो। हां, हम कर सकते हैं ना। हां नहीं राज, तेरे को हो क्या गया तेरे को? यार यार, मेरे को हेडेक कर दिया तूने। क्या हो गया? आई कैन डू इट। हां तो मिस्टर, अच्छा नहीं, अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? प्लेन से। मान लीजिए आप प्लेन से जा रहे हैं, रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है, आपको जयपुर उतरकर यह कहा जाता है कि आप डबल पैसे ले लीजिए, मगर आप किसी ट्रेन, टैक्सी या बस का बंदोबस्त कर लीजिए तो आप जाएंगे? नहीं। क्यों? मैंने प्लेन का टिकट खरीदा है, मैं एसटी से क्यों जाऊं? एयरलाइंस को मेरे लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था कर देनी चाहिए। नहीं, आपके लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एयरलाइंस वाले पैसेंजर को बीच सफर में कैसे छोड़ सकते हैं? माय लॉर्ड, अगर मुंबई से दिल्ली के बीच के सफर में किसी को मझदार में छोड़ा नहीं जा सकता, तो जिंदगी के सफर में किसी को बीच मझदार में कैसे छोड़ा जा सकता है? मिस्टर वाचानी, आपने तो सिर्फ इन्हें चूने और ईंट से बनाया हुआ मकान दिया था, मगर उसे घर बनाया इन्होंने। अपनी भावनाओं से, अपने जज्बात से उसके साथ जुड़े हुए हैं। इनके बच्चों के पैदा होने की खुशियां, इनके बुजुर्गों के गुजरने का गम, इनकी बेटी की विदाई की यादें, इनके बेटे की शादी की शहनाइयों की गूंज। और सर, दुनिया की कितनी भी दौलत इन खुशियों के सामने रख दी जाए तो इनका मोल नहीं चुका सकती। तो फिर किसी भी एक इंसान को पैसे कमाने के लालच में किसी दूसरे इंसान का घर छीनने का हक कैसे दिया जा सकता है? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप खुद भी ऐसा नहीं होने देंगे। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। राज, बड़ा बच्चा आदमी है यार। रिकॉर्ड है यार, गले लग जा। वकील साहब, आपने सिर्फ ये केस नहीं जीता है, बल्कि हम सबके बच्चों के घरौंदों को उजड़ने से बचाया है। देखिए, हम इसकी फीस तो नहीं दे सकते, लेकिन ये थोड़े से पैसे हैं, हम सबकी दुआएं समझ के रख लीजिए। देखिए, दुआएं पैसों से नहीं तोली जाती, मगर फिर भी इस केस की जीत की यादगार के बतौर मैं 500 रुपए का नोट रख लेता हूँ। थैंक यू। जैसे आपकी मर्जी। मेरी पहली कमाई। सत्यमेव जयते, पर आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि जीत मेरी नहीं, तुम्हारे विश्वास की है। तुमने इस लड़ाई के लिए मुझे चुना। आगे जब भी मैं सच की लड़ाई लड़ूंगा तो तुम्हें याद करूंगा, और तुम इसी तरह से मुझे हिम्मत देती रहना। राज, राज, ये रजत है, फ्रीलांस रिपोर्टर। Hello. अपने प्रोग्राम में अच्छे अच्छे कोर्ट के फैसलों की धज्जियां उड़ा के रख देता है। और रजत, ये है राज, मेरा दोस्त, होशियारपुर का सबसे होशियार वकील। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करो और इनका इंटरव्यू लो, क्योंकि आज इन्होंने बहुत बड़े वकील के खिलाफ मुकदमा जीता है। अपना बच्चा है यार। जी नहीं, ये मेरा दोस्त है,
आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि किसी कोर्ट के फैसले के बाद मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सका। थैंक यू सर, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस। अपनी जीत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? दरअसल ये केस मैंने कानूनी दांव पेच या किताबों में लिखी दफाओं से नहीं लड़ा, ये केस मैंने दिल से लड़ा है। और मैं ये मानता हूं कि जो भी चीज जिंदगी में दिल से की जाती है वो अक्सर कामयाब होती है। सलमान रेस्टोरेंट, शनमुगम शंकरन दामोदरन पालगाड कुट्टे, तीस ताली विद स्वीट, सो स्वीट सर, अभी भेजता हूँ सर। हाँ, विद वेटर भेजता हूँ सर, डोंट वरी, डोंट वरी। चुट्टा नहीं कला के उत्तर पका लेना। थैंक यू वेरी मच। ए तम्मी, इधर आ रे। आया जी। इधर आ, जल्दी आ, जल्दी। ये ना ना, तीस स्पेशल ताली ताप रोस में, चार वेटर के साथ में, जल्दी फटाफट चलाओ अभी। चार वेटर उधर जाएगा तो इधर कौन देखेगा? इधर का चिंता छोड़ रहे, इधर राजू है ना, वो सब देख लेगा। सर आपका मसाला डोसा, आपकी पाव भाजी, आपका दही वड़ा, और मैडम आपका पिज्जा। So fast? I am fast. Really? मैडम, आपका पिज्जा ठंडा हो रहा है। राजू, इधर आओ, इधर आओ। क्या रे तबाव का तरे, वो लड़की तेरे को कितना घूर घूर के देख रहा था, क्यूट बोला तेरे को, हैंडसम बोला, एक नजर डाल के देखने का नहीं। तेरे को मालूम है ना, मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही लड़की रहती है, सुबह शाम दिन रात हर पल सिर्फ वो, इसलिए तो मेरे दिल की हर धड़कन उसी का नाम लेती है। गीता, गीता, वर्षा, गीता, वर्षा। ए, बिल किधर है ना? पार्टी में आया? नहीं, मैं तो देने वाला। मेरा चार आंख, दो इधर, दो इधर। इधर किधर है? एक बात याद रखना, तू एक वेटर है, वो एक स्टार रिपोर्टर है, वो तेरे से प्यार मोहब्बत की बात करने वाला नहीं है। वो करे या ना करे, पर हम तो मोहब्बत करेगा, और करेगा तो करेगा।